हसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। नमस्ते संजीव जी, आप आए और सन फार्मा पर बहार भी आई। बताइए किस हिसाब से आप इस हल्की सी गिरावट को देख रहे हैं बाजार में, हालांकि निफ्टी वापस 22 अंक ऊपर है। क्या लगता है आपको सेंटिमेंट वाइज और दो बढ़िया पिक्स? तो शैलेंद्र जी, कुछ हल्की गिरावट नहीं थी, वो जो आया है वो कड़ी काफी डीप था और मिड कैप्स में तो आप देख ही रहे हो रंग ही खराब है। लेकिन आज मैं आपको दावे से कहता हूँ मिड कैप्स अब बॉटमड आउट। अब जो बाजार रहेगा, बाजार एक रेंज में रहेगा, बट इट विल बी मिड कैप्स विच विल लीड द रैली। इट मे एक्सटेंड फ्रॉम टुमारो, बट आई एम वेरी श्योर दैट मिड कैप्स में हैव बॉटम, दैट इज वेयर द मनी विल कम। बिकॉज लार्ज कैप्स में रन अप काफी हो चुका है, द कंसोलिडेशन इज देयर, नाउ दैट मनी विल फ्लो इनटू मिड कैप्स। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, सन फार्मा मेरा टॉप पिक रहा है, अभी भी मैं सोचता हूँ दिस इज हेडेड टू फोर फिगर्स। आपको और अपडेट दे दूं, भारतीय टेक, महिंद्रा, कोटक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ऑल हैव बीन आउट परफॉर्मर्स। भारतीय तो आज न्यू हाई मार गया। तो अब मेरे दो पिक्स हैं, दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं जो आई थिंक आउट परफॉर्म करेंगे। पहला मेरा फेवरेट एचसीएल टेक, आई थिंक आपको लेना चाहिए 1155 में लीजिए, 1035 का स्टॉप, 1100 का टारगेट। एक्चुअली ये 1200 तो जाएगा ही जाएगा, बट अभी ट्रेडिंग के लिए आप ये कर सकते हैं। दूसरा एचडीएफसी एएमसी 2950 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2880, टारगेट ऑफ 3050 ऑन एचडीएफसी एएमसी। ये रणनीति आपके सामने, अब देखिए फंडामेंटली आती हुई दिख रही है एचडीएफसी एएमसी पर। कुछ समय पहले हमारे साथ प्रकाश गावा साहब ने यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड आपको सुझाया था, बसीन साहब को ये पसंद आता हुआ, और साथ ही साथ एचसीएल चेक पर दोबारा आपको तेजी की राय आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए डीलिंग रूम चेक से टेक महिंद्रा और इन्फोसिस आते हुए दिख रहे हैं, और एक आईटी ही इंडेक्स ऐसा है जहाँ पर आप एक अच्छा मोमेंटम लॉन्ग साइड पर देख रहे हैं।